हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई गेस मैं पूरे 8 महीने बाद ये प्रॉपर लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं शूट करूँ ये वीडियो, ना करूँ, करूँ ना करूँ। फाइनली मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। आज मुझे बेसिकली करनी है अपने मन की बात। वो जिन लोगों को मेरी मन की बात नहीं सुननी है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी सारी वीडियो ऐसी ही होंगी एक ही जगह पर बैठ के, बट जब मुझे मेरे मन की बात करनी होगी तो मैं मन की बात ही करूँगी। अब अगर आप मोदी जी के मन की बात सुन सकते हो तो इस छोटे से बच्चे की बात तो सुन ही सकते हो। अब करते हैं मन की बात। मैं एक फुल लविंग गर्ल हूँ, मेरा जब जैसा मूड होगा मैं वैसी वीडियो बनाऊँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वीडियो इसलिए ओपन करे क्योंकि उन्हें हंसना है या उन्हें मोटिवेशन चाहिए या फिर कुछ भी। मैं ये नहीं चाहती कि मतलब कोई भी कुछ पर्पस लेकर आए मेरा वीडियो ओपन करे कि उन्हें ये चाहिए मेरी वीडियो में तो वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं अपने ऊपर एक लेबल नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे टैग करे या लेबल लगा दे कि नहीं मुस्कान कश्यप तुम्हें ऐसी वीडियो बनानी है। और अब देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, चाहे वो काम छोटा हो, बड़ा हो या फिर कुछ भी हो। अगर आप कुछ भी काम करती हो ना तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। तो मैंने सोच मुझे करना था यार, मुझे अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलना था तो मैंने भी खोला। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली। बस उस टाइम पे ना मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि तुम्हारी वीडियो में ना ह्यूमर नहीं रहता, हमें हंसी नहीं आती, हमें ना मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम्हारे व्लॉग में ना वो नहीं होता, ये नहीं होता, तुम ना ठीक से बोल नहीं पाती हो, हकला जाती हो, तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ना कि यार शिट, मतलब मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्यों व्लॉग बना रही हूँ। इतनी सारी लोगों की चीज़ें सुनकर ना, तो फिर मैं उस टाइम डीमोटिवेट तो नहीं बोल सकती, बट मुझे उस टाइम ऐसा लगा ना कि मैं आगे व्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। मैं सेटिस्फाइड थी अपने काम से, मतलब मैं अपने व्लॉग में ये दिखाना चाहती हूँ जो मैं फील करती हूँ, जो मैं हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मेरा वीडियो ओपन करे तो इस मोटिव से, इस इंटेंशन से आए कि यहाँ पे कॉमेडी विथ मुस्कान कश्यप चल रहा है या फिर कुछ भी, या फिर कोई मोटिवेशन के लिए। भाई अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर आप उस चीज़ से मोटिवेट हो रही हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं बना रही हूँ ना, मुझे वो चीज़ें दिखानी है अपने व्लॉग में जैसी मैं हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी ऑडियंस नहीं इकट्ठा करना चाहती जो मेरे पे दायरा लगाए, मुझे लेबल करे कि नहीं तुम्हारा दायरा ये है, तुम्हें अगर फन वीडियो बनाना है तो तुम फन वीडियो ही बनाओ, मोटिवेशनल बनाना है मोटिवेशनल ही बनाओ, या फिर तुम सिर्फ सिनेमैटिक्स ही बनाओ। नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे ऊपर कोई दायरा लगाए। मैं जैसी हूँ मैं वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मुझे जब अपने मन की बात करनी होगी मैं मन की बात करूँगी। मुझे मतलब एक ब्लॉग का मतलब क्या होता है कि वो आप अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ब्लॉग का कोई दायरा नहीं होता कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, आप उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ब्लॉग का कोई दायरा नहीं होता, आप इसको लिमिटेशन में नहीं रख सकते। और मुस्कान कश्यप का कोई दायरा नहीं है, उसे कोई लेबल नहीं करेगा कि तुम ऐसे वीडियो ही बनाओ। मैं ये नहीं चाहती कोई भी मेरी वीडियो इस माइंडसेट के साथ ओपन करे कि नहीं मुझे इसकी वीडियो देखकर हंसना ही है, नहीं ये प्रॉपर ही बोलेगी, हाँ भाई मैं हकला जाती हूँ बोलते बोलते, नहीं आता मुझे प्रॉपर बोलना, नहीं बोल पाती, बट मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। मैं एक प्रॉपर न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे ये नहीं है कि प्रॉपर मैं हमेशा कैमरा फेस करके प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना भाई कि प्रॉपर बोल पाऊँ या फिर कुछ भी। मैं अपने व्लॉग में वो सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जैसे मैं हूँ, उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी, कोई भी मुझे लेबल ना करे। वो जो एक खुशी होती है ना वो धीरे धीरे कम हो गई मेरी व्लॉगिंग करते हुए, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, बट मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ पॉजिटिव वाइब के साथ। तो आप किसी को भी ना एक दायरे में मत रखो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी ब्लॉगर हो या फिर कुछ भी। मैं मेरी तो अभी स्टार्टिंग है, फिर भी
बस इतना ही बोलूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.